और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सकर्णी कंपनी ने एक ओपन सेशन यहां पर रखा है जिसमें उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको बता दें सम्मानित किया है। सकर्णी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर संघ, ये ओपन सेशन है, आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं। कंपनी ने सेशन के दौरान तमाम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ पर सम्मानित किया है और इसके जो चेयरमैन है अशोक गुप्ता, उन्होंने यहाँ पर कहा कि तेजी से आगे जो है यूपी बढ़ रहा है और सकर्णी लेकर आ रही कई सारे और भी नए प्रोडक्ट, ये भी उन्होंने इस मौके पर कह सकते हैं कि घोषणा यहाँ पर की है। गृह निर्माण के लिए उत्पाद बनाना चाहती है कंपनी, ये भी घोषणा की गई है। और बता दें कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस वक्त लखनऊ में हो रहा है, यहाँ पर कंपनी ने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ एक ओपन सेशन यहाँ पर रखा है। सकर्णी प्लास्टर और इस तरह के और सारे जो प्रोडक्ट हैं कंपनी अब लेकर आ रही है और ये जो प्रोडक्ट ऑलरेडी इनका ये अभी मार्केट में है, तो आपको बता दें इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर सम्मानित किया है और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुरुआत की गई। कंपनी ने नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी दीवारें आज की डेट में जिस तरह से ब्रिक्स ये ब्लॉक बनते हैं और जिसके वजह से दीवारों के अंदर सीलन की दिक्कत आती है, कंपनी ने एक वाटर प्रूफ पुट्टी लॉन्च की है। अगर ये सकर्णी वाटर प्रूफ पुट्टी अगर हम अपनी दीवार पर लगाते हैं तो इससे जो है हमारा क्या नाम है दीवारों पर सीलन नहीं आ पाएगी और उसकी लाइफ को हम लोग बचा पाएंगे। कंपनी ने नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी दीवारें आज की डेट में जिस तरह से ब्रिक्स ये ब्लॉक बनते हैं और जिसकी वजह से दीवारों के अंदर सीलन की दिक्कत आती है, कंपनी ने एक वाटर प्रूफ पुट्टी लॉन्च की है। अगर ये सकर्णी वाटर प्रूफ पुट्टी अगर हम अपनी दीवार पर लगाते हैं तो इससे जो है हमारा क्या नाम है दीवारों पर सीलन नहीं आ पाएगी और उसकी लाइफ को हम लोग बचा पाएंगे। कंपनी ने तो सकर्णी ने अपने जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आने वाले हैं उसको लेकर भी इस दौरान काफ़ी घोषणा की है। सकर्णी सीमेंट, जो व्हाइट सीमेंट होता है, प्लास्टर है, इसके जो कह सकते हैं क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में भी इस वक्त आपने सुना, उन्होंने बताया। तो सकर्णी कंपनी ने यहाँ पे एक ओपन सेशन आयोजित किया था जिसमें काफ़ी जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, सभी सम्मिलित हुए और सभी का सम्मान किया और कंपनी के जो नए अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर भी तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानकारी दी गई। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।